हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज मैं एक ऐसी मूवी रिव्यू करने जा रहा हूँ जिसके डायरेक्टर ने लास्ट ईयर मूवी बनाई थी लाला लैंड, जो ऑलमोस्ट ऑस्कर जीत गई थी, लेकिन एंड में मूनलाइट ने ऑस्कर जीता था। तो अब वो मूवी लेके आए हैं जिसका नाम है फर्स्ट मैन। तो डायरेक्टर का नाम है डैमियल शिजेल और ये इन्होंने मूवी बनाई है नील आर्मस्ट्रॉन्ग के ऊपर, जो कि एक बुक के ऊपर बेस्ड है, जो कि लिखी गई है जेम्स आर हैंसन के द्वारा। और इसमें मेन स्टार कास्ट है वही लाला लैंड की टीम का मेन स्टार रियान गॉसलिन, और उनके साथ हैं क्लेयर फॉय, काइली चैंड्रल, पेब्लो कॉरी। तो आप सबको ये स्टार कास्ट आप मूवी में ज़रूर देख पाओगे। तो अब मैं इस मूवी के बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसका जो रिव्यू बन रहा है वो एक स्पॉइलर रिव्यू बन रहा है। जैसे कि आप सबको पता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन है, पहला बंदा जिसने चांद पे कदम रखा था, तो उसके बारे में सारी कहानी है। ये एक बंदे ने जिसने बुक लिखी है उसकी नरेशन के हिसाब से उन्होंने मूवी बनाई है। और जैसे मैंने आपको बताया स्पॉइलर रिव्यू, मैं थोड़ा थोड़ा सा बीच में बताऊंगा कि क्या है। वैसे सबको ऑलमोस्ट पता है कि इस मूवी में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसमें ज़्यादातर जो पर्सपेक्टिव है वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग का है कि कैसे उन्होंने मून पे जाने का सोचा, या उनके साथ जो साइंटिस्ट थे नासा में उन्होंने कुछ सोचा, उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू दिया कि मैं इस काम के लिए रेडी हूँ। तो पहले भी उन्होंने स्पेस में एक दो बार गए, फिर काफ़ी साल की मेहनत के बाद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टडी करी हर एक चीज़ को, उन्होंने उनकी टीम ने, उनके साथियों ने, हर एक ने। तो ये सारी चीज़ें नील आर्मस्ट्रॉन्ग के पर्सपेक्टिव से बताई गई हैं। और इस मूवी में ये सब कुछ बताया गया है कि चांद तक पहुँचने से पहले कितने ज़्यादा बलिदान किए गए हैं, कितनी ज़्यादा ईगो थी मतलब दूसरे देशों के साथ यूएस की। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, कितनी ज़्यादा जाने गई, कितना ज़्यादा पैसा लगा, कितने ज़्यादा उन्होंने एयरक्राफ्ट्स बनाए जो फेल हुए, जो मतलब ऊपर जाके दोबारा फिर उनको वापस आना पड़ा। ये सारी चीज़ें उन्होंने मूवी में बताई गई हैं। तो आपको ये मूवी देखने में कैसी लगेगी अब मैं आपको ये बताता हूँ। वैसे हम काफ़ी मूवीज़ देखते हैं जो हमें इंटरेस्टेड भी लगती हैं और अच्छी भी लगती हैं, लेकिन इस मूवी में कुछ ऐसी फील नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ेदार एकदम से मूवी लग जाए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग की कहानी है, बड़ी स्लो स्लो मूवी चलती रहती है, बताते रहते हैं ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। नो डाउट शॉट्स अच्छे हैं, पर्सपेक्टिव दिखाया गया मोस्टली नील आर्मस्ट्रॉन्ग का, तो मतलब ऐसा है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो देख रहा है वो काफ़ी चीज़ें दिखाई गई हैं। तो इस तरीके से मूवी शूट भी की गई है, कैमरा एंगल वैसे हैं एक बंदे के पर्सपेक्टिव से सब कुछ। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग का जो मेकओवर है, मतलब वो स्टार्ट करता है एक अर्ली एज से, उसके बाद उसकी एज आगे बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है, तो वैसे ही रियान गोसलिंग ने उसका गेटअप थोड़ा सा चेंज किया है, तो वो पता लगता है कि यानी कि उसकी एज बढ़ रही है। और दूसरी तरफ उसके बच्चे भी बड़े होते रहते हैं, तो पता लगता रहता है कि हाँ जी टाइम काफ़ी ज़्यादा निकल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको मूवी में ज़रूर देखने को मिलेंगी। अगर मैं एक्टिंग की बात करूँ तो रियान गोसलिंग ना मेरे को थोड़ा सा ना सैड सेक्टर लगता है। तो मतलब मैंने लाला लैंड भी देखी है, उसमें डेफिनेटली एक्ट्रेस ने एमा स्टोन ने बहुत मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार एक्टिंग की थी, तो पूरी यानी कि फिल्म को ग्रैब करके रखा था। तो रियान गोसलिंग ये फर्स्ट मैन मूवी में थोड़ा सा मेरे को सैड हीरो लगता है कि वो मतलब अगर स्टोरी चल रही होती है ना तो थोड़ा सा सैडनेस ही आती रहती है, खुशी सी नहीं मिलती उसकी एक्टिंग देख के, पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता है। आप ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगता है। तो बाकी सब स्टार कास्ट ने भी अच्छा काम किया, उनके साथी हैं जो उनके साथ मतलब एस्ट्रोनॉट है जो उनके साथ मून पे जाते हैं या उनके साथ ट्रेनिंग करते हैं, तो वो बड़ी मज़ेदार एक्टिंग करते हैं। एक बात ज़रूर होती है इंग्लिश मूवी में, जिस बंदे को लोग नहीं पसंद करते ना वही मज़ेदार काम करता है। तो ये भी आपको बीच में देखने को मिलेगा सारी मूवी के। तो ऑल ओवर मूवी का अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो मेरे को ये 3 स्टार मूवी लगी। बिल्कुल बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट नहीं है अगर मैं बोलूँ। अगर आप देखना चाहते हो कि आप रियान गोसलिंग के फ़ैन हो तो आराम से जाओ थिएटर में बैठो, इन्जॉय करो मूवी को। तो मेरी तरफ से 3 स्टार हैं। और इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, सुखजिंदर सिंह मूवी रिव्यूअर। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप मेरे को मेरे मूवी रिव्यू आपको पसंद आ रही हैं। ठीक है जी, बाय बाय, थैंक यू सो मच।